लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष और सांसद राजकुमार सैनी बुधवार को जींद पहुंचे। सैनी ने यहां एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाते हुए बीजेपी सरकार पर पिछड़ा वर्ग की अनदेखी करने के आरोप लगाए। कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं दिया। 10% जनसंख्या की आबादी वाले वर्ग के पास 52% नौकरियां हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के पास केवल 12% नौकरियां हैं। सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की सत्ता ज्यादातर जाट मुख्यमंत्रियों के हाथ में रही है, इसलिए वो पिछड़ा वर्ग की संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को वो पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में अपनी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को लॉन्च करेंगे। सबके साथ सबका विकास के नारे में तो ये 12% पिछड़ा वर्ग 12% पे रहा। ये 4 साल बीतने के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने 12 बार देश को चलाने के बाद 12 बार पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाने के बाद पिछड़ों को 12% में दफन कर दिया, उसको बीजेपी ने भी 12 से 27 तो क्या करना था, 12 का 15 नहीं हुआ। ये बीजेपी की सरकार के सेंट्रल और स्टेट के आंकड़े हैं।